नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम वार्ड नंबर 75 में मौजूद है, जहां पर सीपीआईएम के कैंडिडेट फैयाज अहमद खान साहब का जो अक्यूज है कि उनके ऊपर अत्याचार हाथ उठाया गया, उनसे बात करेंगे। तृणमूल के गुंडे बदमाश मवाली, वो इलाके से नहीं बाहर से आकर के बूथ कब्जा कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर में हमला हो रहा है, बूथ कैप्चर किया जा रहा है, पोलिंग एजेंट को मारा जा रहा है। बाहर से जुलूस लेकर के ममता बनर्जी जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते आया जाता है। मेरी हाउस के तरफ प्रोटेक्टेड जगह में भी वहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर गेट पुलिस खोल देती है उनको अंदर जाने के लिए। वो अंदर आकर के पोलिंग एजेंट को हमारा मारपीट करते हैं, जब हम बचाने जाते हैं तो हमारे ऊपर हमला किया जाता है, बुरी तरह मारा जाता है और हमारे गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। ऐसी हालत में हम कहते हैं कि जहाँ सीसीटीवी लगा है, पुलिस देखे उस सीसीटीवी को, कौन वो लोग हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन होगा। हम बार बार सुबह से पुलिस को बताते जा रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सुबह से डीसी बोर्ड से लेकर ओसी तक सबको हमने कहा कि बाहर के गुंडे मवाली इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ से अमन शांति को तोड़ेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसी हालत में हम यहाँ पर मजबूर होकर के हैं इंसाफ करने के लिए। ये दाग लगा हुआ है काफी जगह, पूरे बदन में दाग है, हाथ टूट हुआ है, फटा है, वो हुआ है, पैर टूटा है, सब जगह जो है पूरा ये करके है, इधर भी है, दोनों पैर जवाब देना पड़ेगा। इंसान को जब इनको हाथ लगाया तो हम पब्लिक को हाथ लगाने के हाईकोर्ट का वकील है तो जज है, हम लोग का टाइम लगेगा। ममता बना रहा है, ममता पुलिस को पैसा देगा खरीद लिया है, क्या किया इसका हाल? क्या हो रहा था बाजी? यही हो रहा था कि जाली वोट पड़ रहा था, पुलिस खड़ी होकर मुंह देख रही थी, कुछ नहीं बोल रहे हैं। 10 औरत को मार दिया गया, 10 औरत रो कर गई है, 10 औरत रो कर गई है, रो कर गई है जो बोल रही है। पूरा कैप्चर हो गया, हेस्टिंग पूरा कैप्चर है। माँ बहन को फोटो बोला टिप ले रहा चले जाओ, गाली भी बक रही है इस करने बोलो पुलिस के सामने, टीएमसी का लोग का लोग गाली बक रहा है। 100 आदमी को लेके हमारे बूथ का फैयाज अहमद खान को हमारे सामने ममता जी का स्लोगन लेके मेरिनोस कैंप में ढुक गया गुंडा लोग। ये निजामुद्दीन करवाया बाहर का लड़का मंगवा के, मेरा कैंडिडेट को ऊपर जान से मारने का हमला किया है। ये गुंडा बाहर का चलेगा नहीं दीदी, ये हर बूथ में हो रहा है, ठीक है, ये पूरा पुलिस के सहयोग से हो रहा है। पुलिस कहीं यू का नाम चेक नहीं कर रहा, डायरेक्ट जाली वोट देने दे रहा है, जिसको जहाँ चाहे वहाँ धक्का मार रहा है, ठीक है। जब आप इत्मीनान है कि मेरे सारे पब्लिक है तो फिर क्यों डर रहे हैं आप लोग? आप हम लोग भी इत्मीनान है, आप लोग भी इत्मीनान से रहिए, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों मार गाली गलौज कर रहे हैं, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं पब्लिक को? आज अपने बच्चे अपने घर काम धाम छोड़ के इतना कीमती वोट देने जा रहे हैं, उसको मार के गाली गलौज करके भगा दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? यही ममता बनर्जी सिखा रही है, यही ममता बनर्जी का सरकार है। वो बोलती है कि हम औरत लेडीज के साथ है, महिला के साथ है, क्या साथ है? वही तो सबका गुंडा बना के छोड़ दी है। आज गुंडामु नहीं कीजिए, गुंडामु आपका नहीं चलेगा। आज आपको डर हो गया तब आप गुंडा बना के उतार दिए सबको, हम लोग को डर नहीं है, हम लोग ओरिजिनल वोट मार रहे हैं। पुलिस मिल झुल के आए ममता को साथ, जब गणतंत्र अधिकार पब्लिक को नहीं दे रहा है, हमारा नेता को साथ ऐसा हुआ है, आम पब्लिक को साथ क्या होगा, ये आपको सोचना चाहिए। किस तरीके से नाक में देखिए, जैसे कि चोट लगा हुआ है, खून बह रही है, हाथ नाक तमाम जगहों से देखिए। सीसीटीवी में जिसको फोटो आया है उसका लिए एफआईआर करने होगा, जो हमारा नेता को साथ ऐसा हुआ है, आम पब्लिक को साथ क्या होगा, ये जवाब ममता को। पुलिस क्या कह रही है?
पुलिस चुप्पी साधी बैठी है, अब तक पुलिस को होश नहीं। पुलिस अगर शर्म होता तो पहले सीसीटीवी देख के कानून कार्रवाई शुरू करती, कुछ नहीं कर रही है वो। पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है हमारा। एक्शन लेना चाहिए, एकदम एक्शन लेना चाहिए। दीदी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इतना बड़ा मैटर हुआ है। हमारे फैयाज भाई इनके ऊपर जो हमला हुआ है, इस पर तुरंत तत्काल दीदी को का नाम इस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। जब एक कैंडिडेट के ऊपर ऐसा हो सकता है तो फिर आम जनता को कहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं है। प्रशासन के सामने आम जनता की लेडीज को मार के भगाया जा रहा, पुलिस मुंह में ताला लगा के रुके हुए हैं, तो इससे क्या बोला जाएगा? पुलिस प्रशासन को क्या बोला जाएगा? किसके लिए रहेंगे? किसके लिए रहेंगे? जब ये सब रुपया खा रहा है, आप देख रहे हैं सीपीआईएम के जो कैंडिडेट है खून से लथपथ हैं और खून तमाम आंखों में लगा हुआ है, और जो उनका कहना है कि उनके ऊपर मारा गया है तृणमूल द्वारा। और इस वक्त खिदिरपुर मोड़ पर वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं तमाम सीपीआईएम के जो तमाम जो कर्मी हैं फैयाज अहमद खान साहब के साथ। फिलहाल जो भी इस मामले से जुड़ी अपडेट्स आप तक रहेगी। फिलहाल इस मामले से जो भी जुड़े अपडेट्स आप तक रहेगी पहुंचाने की कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। पूरी सुबह से कोशिश कर रही है अलग अलग वार्ड से अलग अलग जगह से आपको चुनाव के जो रुझान है तमाम चुनाव में जो भी परिस्थिति जो हो रही है तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हमें दे इजाज़त, मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से द लोकल जर्नलिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।